हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संध्या। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर चलती हूं कान्हा जी की नगरी वृंदावन में। तो चलिए चलकर देखते हैं आज हम वृंदावन में कहां कहां घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ गए हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर में। यहां पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है और ये मंदिर के सामने वाली जो रोड है, इसी रोड पे आप सीधे चलते जाएंगे तो आपको इसी रोड पे प्रेम मंदिर मिलेगा, इस्कॉन टेम्पल मिलेगा और थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको बांके बिहारी जी मंदिर का भी रास्ता वहीं से मिलेगा। ये देखिए, माता वैष्णो देवी मंदिर के सामने ये जो है छोटा सा मार्केट लगता है। यहाँ पर आपको बच्चों के खिलौने, पूजा पाठ का सामान, भगवान जी के वस्त्र, ये सब सामान आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर में एंटर होते ही ये जो रेलिंग बनी हुई है, आपको इनमें से होते हुए अंदर जाना पड़ेगा और जैसे ही आप इनको क्रॉस करके अंदर जाएंगे, आपको राइट साइड पर टिकट काउंटर मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली कोई टिकट तो नहीं है, बस आपका वो फोन नंबर और एड्रेस पूछते हैं और फिर उसके बाद आपको अंदर जाने देते हैं। और ये देखिए, सामने ही दर्शन हो रहे हैं हमें माता वैष्णो के और उनके चरणों में बैठे हुए हैं श्री हनुमान जी। बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है वैष्णो देवी माता की। यहाँ पर आपको पीने के लिए पानी का अरेंजमेंट भी मिलेगा, वॉशरूम्स भी यहाँ पे साफ सुथरे हैं। और ये जो है, ये लाइन लगी हुई है, ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जहाँ पर आपको टिकट तो नहीं मिलती लेकिन आपसे वो एड्रेस और फोन नंबर जरूर पूछते हैं अंदर भेजने से पहले। तो चलिए अब जो मेन मंदिर है उस तरफ चलते हैं। मेन मंदिर में आपको जाने के लिए इन सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ेगा। ये मंदिर जो है वो काफी बड़े एरिया में बनाया गया है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर जो माता की जो प्रतिमाएं हैं, माता के नौ रूपों की प्रतिमाएं हैं गुफा के अंदर, वो बहुत ही सुंदर बनाई गई है। ऐसा लगता है साक्षात देवी माँ के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई है। मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। और ये देखिए, ये अंदर यहाँ से होते हुए हम जाएंगे मंदिर में, जो मेन मंदिर है यहाँ। ये देखिए, अब हम सीढ़ियों से नीचे उतरकर जो मेन माता का मंदिर है, जहाँ पर माता विराजमान है, वहां चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है शेरोवाली माता की, माता वैष्णो देवी की प्रतिमा। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, पीतल की ये प्रतिमा बनाई गई है, पीतल से पीले रंग की ये प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर चारों तरफ ये अलग अलग सभी भगवान जी की ये मूर्तियां बनी हुई हैं, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, भोलेनाथ जी की, सभी देवी देवताओं की ये पेंटिंग्स और मूर्तियां बनी हुई हैं। और ये है माता वैष्णो देवी का प्रसाद। इसमें आपको एक पैकेट में आपको सिक्का मिलता है और एक पैकेट में आपको मिश्री मिलती है प्रसाद के रूप में। ये देखिए, ये कृष्ण जी और उनकी गौ माता का देखिए कितना अच्छा ये सुंदर चित्र दर्शाया गया है। वैसे तो वृंदावन में सारे मंदिर जो हैं वो 12 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन वैष्णो देवी माता का जो ये मंदिर है, ये 1 बजे बंद होता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे केसी घाट। वृंदावन में सारे मंदिर जो हैं वो दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक बंद हो जाते हैं, फिर 4 बजे उनके कपाट खुलते हैं। तो अगर आप इस बीच में वृंदावन में हैं तो आप मंदिर में तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो आप इस समय में आप घाट पर जा सकते हैं, जैसे कि केसी घाट। और भी कई सारे अलग अलग घाट बने हुए हैं, आप यहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वैष्णो देवी माता मंदिर के सामने पार्किंग है, वहां पे अपनी गाड़ी खड़ी करके आप ये जो ऑटो रिक्शा चलते हैं उनसे आराम से केसी घाट या किसी और सब घाट आसपास ही है वहां पर जा सकते हैं और अपना टाइम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं केसी घाट और सामने है यमुना जी। और यहाँ पर जैसे कि आप इतनी सारी नाव देख रहे हैं, इनसे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग चार्जेस यहाँ पर हैं 200 रुपए। और घाट के किनारे ही आपको ये खाने पीने के छोटे मोटे ये ठेले मिल जाएंगे, जहाँ से आप फ्रूट चाट बनवा सकते हैं, चने की चाट बनवा सकते हैं, और पीने के लिए भी यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। हमने ली थी ये चने की चाट और फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी, और साथ ही लिया था ये काला खट्टा गोला। घाट के आसपास ही आपको काफी सारे बहुत पुराने प्राचीन मंदिर मिलेंगे, आप वहां दर्शन कर सकते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है कदम का पेड़। कहा जाता है कि ये पेड़ जो 5000 साल पुराना है, जिस पर कृष्ण जी जो हैं गोपियों के वस्त्र चुराकर इस पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। ये वही कदम का पेड़ है, 5000 साल पुराना। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं दाऊजी मंदिर। यहाँ पर कृष्ण जी जो है वो अपने बड़े भाई बलराम और अपने माता पिता पूरे परिवार सहित यहाँ पर विराजमान हैं। और ये जो सामने आप पेड़ देख पा रहे हैं, कहते हैं कि माता यशोदा कृष्ण जी को इसी पेड़ से बांध दिया करती थी जब वो ज्यादा शैतानी करते थे। इस मंदिर में कहते हैं आप जो भी मन्नत मांगते हो वो जरूर पूरी होती है। मंदिर में अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर से दर्शन नहीं करवा पा रही हूँ। ये देखिए, इसमें छोटा सा कृष्ण जी का हाथ दर्शाया गया है, आपको दिख पा रहा होगा जो पेड़ में से बाहर आ रहा है। और ये सारी दुकानें आपको वृंदावन की हर गलियों में मिल जाएंगी, यहाँ से आप ये सारे सामान खरीद सकते हैं। काफी सुंदर सुंदर भगवान जी के वस्त्र मिलते हैं यहाँ, पूजा पाठ का सारा सामान मिलता है। और अगर आप वृंदावन आए हैं और वहां की लस्सी नहीं पी तो वृंदावन ट्रिप तो अधूरा ही रह जाता है। दाऊ जी के मंदिर के पास ही घाट के पास यहाँ एक शॉप थी, वहीं से हमने ये लस्सी पी। हम इस दिन सिर्फ यही दो मंदिर कवर कर पाए, क्योंकि हम काफी लेट हो गए थे और हमें इसके बाद मथुरा कृष्ण जी की जन्मभूमि भी जाना था, और वहां पर कैमरा अलाउड नहीं है तो वहां हमने कुछ भी शूट नहीं किया। लस्सी पीने के बाद हम निकल पड़े जन्मभूमि की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें लंच करना था। और लंच के लिए हम आ गए थे हीरा स्वीट्स। इस रेस्टोरेंट को खुले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हम रैंडमली इस रेस्टोरेंट में गए। जिस रोड पे प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल पड़ते हैं, उसी रोड पे उसी लाइन में ये वाला रेस्टोरेंट जो है वो खुला है। काफी बड़ा बना हुआ है, काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है। हमें इस रेस्टोरेंट का खाना काफी पसंद आया, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो एक बार इस रेस्टोरेंट में जाकर यहाँ का खाना या छोटा मोटा कुछ भी आप फास्ट फूड खाना चाहें तो वो ट्राई जरूर करें, आपको पसंद आएगा। इनका नीचे भी सिटिंग एरिया था और ऊपर भी इनका अच्छा खासा पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है, एक पूरा अच्छा फाइन डाइन आप कह सकते हैं, अच्छा सा सेटअप बना हुआ है बैठने का। तो हम ऊपर गए और ऊपर वाले एरिया में हमने बैठ के अपना लंच किया। ये देखिए राधा कृष्ण की कितनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है वॉल पे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर किया था। हमने ऑर्डर किया था दाल तड़का, पनीर बटर मसाला, हक्का नूडल, वेज हक्का नूडल्स, और साथ में तंदूरी बटर रोटी। खाना सच में बहुत ही टेस्टी था, ये पनीर बटर मसाला बहुत टेस्टी था, और दाल तड़का तो बिल्कुल ऐसे जैसे घर पे हम दाल तड़का खाते हैं, बिल्कुल घर वाला स्वाद था, बहुत ही टेस्टी थी। और इसके अलावा हमने ऑर्डर की थी सोया स्टफ चाप, और ये भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। ये पूरा सिजलर सिजलिंग प्लेट पर आया था और गरम गरम ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था, बहुत ही टेस्टी था। तो आप यहाँ पर ये स्टफ सोया चाप और दाल तड़का तो जरूर ट्राई करें। और ये सारा खाना जो है यहाँ पर विदाउट ऑनियन गार्लिक था। जी हाँ, यहाँ पर प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, उनके बिना ही ये खाना इतना ज्यादा यमी था। और यहाँ पर आपको काफी सारी मिठाइयां भी मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वृंदावन की छोटी सी वीडियो, आप इसे व्लॉग टाइप भी कह सकते हैं। हम जितना कवर कर पाए उतना मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और मेरे वीडियोस को शेयर भी किया करें। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, अगली वीडियो मेरी हरिद्वार से आने वाली है, तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।